यूज ऑफ इन एंड इनटू। प्रीपोजिशन इन एंड इनटू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। ऑफन वी मेक मिस्टेक व्हेन वी यूज इन और इनटू। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हेन वी यूज इन एंड व्हेन वी यूज इनटू। ओके, इन इज यूज्ड व्हेन समथिंग और समवन इज ऑलरेडी इन ए प्लेस दैट इज इनक्लोज्ड। ओके, एंड इनटू इज यूज्ड व्हेन समवन और समथिंग मूव्स इनटू ए प्लेस दैट इज इनक्लोज्ड। फॉर मूवमेंट वी यूज इनटू। ओके, एंड व्हेन देयर इज नो मूवमेंट a thing or animal is already in a place we use in। मतलब यदि कोई चीज व्यक्ति पहले से ही गिरे हुए स्थान पर हो या स्थान में हो तो उस स्थान से पहले इन यूज करते हैं। और जब कोई वस्तु व्यक्ति जानवर मूवमेंट करता हुआ गति करता हुआ गिरे हुए स्थान में जाए तो हम इन टू यूज करते हैं। There are examples, we will understand through these examples where we use in and where we use into. So let's read these one by one. Okay? The bird flew its cage. We have to use here preposition in or into. Okay? The bird flew. Flew shows the movement. Flew shows the movement. Bird flews its cage. Cage is a surrounded place. Okay, the place that is enclosed. So bird moves means flews. Flew into its cage. So here we use the preposition into. Okay. The bird flew into its cage. But if we change the sentence, the bird was sitting its cage. Was sitting, sitting shows the stable condition, not moving. So bird was sitting. If there is a sitting verb, the bird was sitting, we use in its cage. Bird was sitting in its cage. While the bird flew, if the verb is flew, flew is उड़ा, और उड़कर कहाँ है पक्षी? पिंजरे में। तो पिंजरा गिरा हुआ है और पक्षी गति करता हुआ पिंजरे में आया है तो we use into। Into, okay? यदि हम बोले the bird was sitting तो यहाँ in आएगा क्योंकि पक्षी बैठा है ये stable condition है तो हम कहेंगे in its cage। Okay, second sentence. My friend has moved her new flat. My friend has moved her new flat. Moved is a verb that shows the movement. My friend moved. Moved means went. Mera friend gaya. Her new flat means अपने नए फ्लैट में। तो यहां फ्रेंड गति करता हुआ जा रहा है मूव करता हुआ जा रहा है तो वी यूज हियर इनटू। इफ आई चेंज दिस सेंटेंस माय फ्रेंड इज लिविंग मेरा फ्रेंड रह रहा है तो इनटू नहीं आएगा। माय फ्रेंड इज लिविंग इन हर न्यू फ्लैट। ओके, इज लिविंग आए तो इन आएगा। मूव आए थे गति को शो कर रहा है तो हम यूज करेंगे इनटू। ओके, थर्ड, सी न्यू ए डॉग वॉज माय कंपाउंड। सी न्यू ए डॉग वॉज इन माय कंपाउंड। कंपाउंड इज ए सराउंडेड प्लेस, गिरा हुआ स्थान है मेरे कंपाउंड में। तो एक कुत्ता मेरे कंपाउंड में था तो हम इन यूज करेंगे। ए डॉग वॉज
इन माई कंपाउंड, क्योंकि कुत्ता पहले से ही कंपाउंड में था। यदि हम कहें द डॉग गोन इंटू, हैज गोन इंटू माई कंपाउंड, गोन आते ही क्या यूज किया जाएगा? इंटू, क्योंकि गो है वो मूवमेंट को शो कर रहा है, यहां कोई मूवमेंट नहीं है, कुत्ता पहले से कंपाउंड में है, तो वी यूज हियर इन। ओके, मनोज वॉज स्विमिंग द रिवर, मनोज वॉज स्विमिंग द रिवर, हियर स्विमिंग शोज द मूवमेंट, यहां स्विमिंग मूवमेंट को शो कर रहा है, लेकिन स्विमिंग है वो नदी के अंदर ही हो रही है। स्विमिंग द मूवमेंट इज इन एन इनक्लोज्ड प्लेस, गिरे हुए स्थान में स्विमिंग हो रही है, बाहर से स्विमिंग नहीं हो रही, बाहर से कूद के अंदर नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर यदि मूवमेंट हो रहा है तो वी कैन यूज इन, नॉट ए इनटू। इनटू व्हेन वी यूज इनटू, इन वी यूज इन। ओके, मनोज जंपड, इफ वी यूज मनोज जंपड, जंपड शोज द मूवमेंट, द मनोज वॉज फर्स्ट आउटसाइड देन ही जंपड इन टू द रिवर, इफ देयर इज अ वर्ब जंपड वी यूज इनटू, बट हियर इज द वर्ब स्विमिंग सो वी यूज इन द रिवर। ओके, द स्नेक रन्ड ए मैन, here the snake turned means turn होना। okay, turned a man, यहां स्नेक है वो आदमी में turn हो गया, he changed his shape, और यदि हम movement के साथ change होते हैं तो भी किसका use किया जाता है? into का। we can say the snake changed into a man. Okay, sometimes we also the other use other sentences like the milk turned into sour, milk turned into sour, sour means khatta, milk turned into sour, दूध खट्टा हो गया क्योंकि दूध बदल गया। If there is a change, we also use the preposition into. Okay, unexpectedly she jumped a well. Unexpectedly means we didn't hope. हमने आशा ही नहीं की थी, we didn't expect. Okay? Unexpectedly. She jumped. Jump show the movement. She jumped. A well. Well is a closed place. The place that is enclosed. Okay? So she jumped into a place. Into. Okay? She directly jumped into a place. Jump shows the movement. And after the movement, we use into. Into. Okay? Next. Being tired. Okay? Being tired. Thaka hone ke karan. He fell a deep sleep. Fell shows the movement. It shows the changing position. She fell into a deep sleep. Into. Okay? He was in a waking situation, but suddenly she fell into a deep sleep. Okay, so the position is changed. Okay, so when the position is changed, then we also use the into. Next and sentence. The lawn was the garden. Okay, the lawn was the garden. It means the lawn is already in the garden. Okay, so we use here in. But gone, the lawn was in the garden, but gone shows the movement into, gone into the cage. Okay, so I hope you understand the prepositions.